चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। आज का ये जो वीडियो है वो है मैनीक्योर। मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैनीक्योर करना बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। आप घर पे रह के बहुत ही अच्छा मैनीक्योर कर सकती हैं और पार्लर से 10 टाइम 100 टाइम बेटर रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। ये वीडियो मेरा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो चलिए करते हैं हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम नॉर्मल हॉट वाटर लेंगे, जिसमें हम अपने हैंड्स को 15 मिनट्स तक डिप करके रखेंगे। इसमें मैं सबसे पहले एक लेमन को स्क्वीज़ कर रही हूँ एंड मैंने 1 टेबल स्पून हनी भी ऐड किया है इसमें। और इसके साथ आप अपने डेली यूज़ में जो शैम्पू यूज़ करते हैं उस शैम्पू को थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही साथ आप 1 एंड 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट इसमें ऐड कर लीजिए और हमारी ब्लीच का जो एक्टिवेटर बचा होता है उसको 2 पिंच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इन सबको मिलाने के बाद इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से इनको मिला लिया है। अब मैं इस मिक्सचर में अपने हैंड्स को 15 मिनट्स तक डिप करके रखूँगी। मैनीक्योर हमें ज़रूर करना चाहिए मंथ में एक बार। ये हमारे सन टैनिंग को और डेड स्किन को हमारे हैंड्स से रिमूव करता है और हमारे जो हैंड्स हैं वो फ्लेक्सिबल एंड डेलिकेट दिखते हैं। मैनीक्योर करने से हमारे हैंड्स पर रिंकल्स नहीं आते हैं और हमारी उंगलियों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छे से होता है। मैं जितनी भी चीज़ें ऐड की हैं, अगर आप लोग भी उतनी ही चीज़ ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आप लोगों को। तो 15 मिनट डिप करने के बाद मैं अपने हैंड्स को इस वाटर से रिमूव कर लेती हूँ। आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हैं, मेरा अपर हैंड में अभी भी सन टैन है और यहाँ का रिमूव हो चुका है, देखिए आप लोग। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है स्क्रबिंग का। हम अपने हैंड्स पे इस तरह से स्क्रबिंग करेंगे ताकि जो डेड स्किन है जो अभी भी रह गई हैंड्स पे वो अच्छे से हमारे हैंड्स से हट जाए। हम बहुत ही स्लोली स्लोली स्क्रबिंग करेंगे अपने हैंड्स पे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सर्कुलर, अप टू डाउन सारी स्टेप्स करके हम अपने इस तरीके से हम अपनी फिंगर्स पे भी सर्कुलर एंड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज स्क्रबिंग करेंगे। अब हम अपने हैंड के लिए एक पैक बनाएंगे जिसमें मैंने बेसन, दही एंड हल्दी ऐड किया हुआ है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम इसको अपने हैंड्स पे 15 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे। हम इसकी एक थिक लेयर लेंगे और उसे अपने हैंड पे अप्लाई करेंगे। मैंने अपने दोनों हाथों पे एक थिक लेयर जो है वो अप्लाई कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। आप मेरी थिक लेयर आप लोग देख सकते हैं एंड आफ्टर 15 मिनट्स इस तरह से ड्राई हो जाएगी। अब इसको हम लोग वॉश कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरे हैंड्स। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है मसाज। हम कोई अच्छी सी मसाज क्रीम लेके अपने हैंड्स पे मसाज करेंगे। ये मसाज आप 5 to 10 मिनट्स कर सकती हैं और वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सर्कुलर, अपनी फिंगर्स पे आप हल्के हाथों से अच्छे से मसाज कीजिए। मैंने मसाजिंग करते करते अपनी सारी क्रीम को जो है अपने हैंड्स में ऑब्जर्व कर लिए और मेरे हाथों से जो देखिए आप स्वेटिंग सा हल्का सा हो रहा है। आफ्टर मसाजिंग आप लोग देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मेरे हैंड्स पे। मेरी टैनिंग अलग ही आप लोगों को दिख रही होगी अपर हैंड की। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम अपने हैंड्स पे कोई अच्छा सा नेल पेंट जो है वो अप्लाई करेंगे और मैंने नेल पेंट लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। बिफोर मैनीक्योर मेरे हैंड्स कुछ इस तरह से थे
एंड यू कैन सी द रिजल्ट. सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस स्किन एंड दिस टू. अभी मैंने यहाँ पे मैनीक्योर नहीं किया क्योंकि मुझे आप लोगों को डिफरेंस बताना था इन दोनों में, तो आप लोग थोड़ा पास से देखेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा. यहाँ से मेरा अभी तक कोई सनटैन नहीं गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई मैनीक्योर नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने इस पोर्शन पे मैनीक्योर अप्लाई किया था. और आप देख सकते हैं मेरे हैंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं. आई होप मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिएगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.